राजस्थान के झुंझुनू के उदयपुरवाटी क्षेत्र के गांव दुड़िया के रहने वाले भारतीय सेना के पैरा कमांडो जय सिंह बागड़वा जी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान का एक और जवान जय सिंह शहीद हो गए हैं। शहीद जवान झुंझुनू के उदयपुरवाटी में गुड़ा गौरजी के दुड़िया गाँव के रहने वाले थे। वे 106 पैरा कमांडो टीए एयरबॉर्न बेंगलुरु सेंटर में तैनात थे। गुरुवार सुबह जय सिंह का फिजिकल टेस्ट चल रहा था, इस दौरान वे अचेत होकर गिर गए। इसके बाद उन्हें बेंगलुरु के आर्मी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया। डॉक्टर ने बताया कि जवान का निधन हार्ट अटैक से हुआ है। शुक्रवार को उनकी पार्थिव देह पैतृक गांव दुड़िया पहुंचेगी, जहां जवान का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। दुड़िया गांव के सरपंच प्रतिनिधि प्रहलाद बांगरवा जी ने बताया कि शहीद जय सिंह की पार्थिव देह जयपुर पहुंच चुकी है। गुरुवार रात करीब 10 बजे गुड़ा गौर जी पहुंच जाएगी। शहीद जय सिंह के सम्मान के लिए जाट रेजिमेंट गुड़ा गौर जी पहुंच चुकी है। शुक्रवार सुबह 8 बजे संस्कार स्कूल से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें कि दुड़िया गांव के ताराचंद बागड़वा जी के दो पुत्र थे। एक बेटे जय सिंह 11 साल पहले माँ भारती की रक्षा करने के लिए सेना में भर्ती हुए थे। वे 106 पैरा कमांडो एयरबोर्ट यूनिट में तैनात हुए थे। 2013 तक बेंगलुरु की इस यूनिट में अपनी ट्रेनिंग पूरी की। इसके बाद वे 6 साल तक जम्मू के खुनमु क्षेत्र में तैनात रहे। जम्मू के जिस यूनिट में जय सिंह रहे, उसी में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी लेफ्टिनेंट कर्नल ने ट्रेनिंग ली थी। जवान जय सिंह के साथी नरेंद्र सिंह ने बताया कि जय सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ ट्रेनिंग जुलाई 2019 में ली थी। वे उनके यादगार पल थे। आपको बता दें कि माँ भारती के लाल जय सिंह के छोटे भाई पिंटू कुमार बांगड़वा जी भी इसी यूनिट में भर्ती थे और रूटीन ट्रेनिंग के दौरान पिंटू जंप के दौरान घायल हुए थे और उन्होंने भी देश के लिए अपनी शहादत दी थी। पिछले साल 30 नवंबर 2021 को पिंटू भी वीरगति को प्राप्त हो गए थे और इसी साल दुड़िया गांव में 30 नवंबर को शहीद पिंटू की प्रतिमा का अनावरण भी होने वाला था। बांगड़वा परिवार ने एक साल के अंदर दो जवान बेटे खो दिए हैं। गांव में शोक की लहर छाई हुई है। माँ भारती के लाल को अदम्य साहस को हम बारम्बार नमन करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।